दीपावली को लेकर लगभग सभी थानों में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। हम लोगों ने सभी थानों में और जहाँ जहाँ लक्ष्मी पूजा और काली पूजा हो रही है वहाँ पर जो भी आसपास सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करवाया है। उनका काम सिर्फ बाइकर्स कंट्रोल करने के लिए है ताकि किसी भी तरीके से जो लोग बाहर निकलते हैं इन त्योहारों पर उन लोगों को असुविधा ना हो। हम लोगों का प्रयास से ही दीपावली को लेकर के पूरे राजधानी में पटना पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि राजधानी में हरेक जो थाने हैं उसमें अतिरिक्त बल को लगाया गया है और जहां जहां भी संवेदनशील जगह है जहां पर कि लक्ष्मी पूजा और काली पूजा किए जा रहे हैं वहां पर अतिरिक्त फोर्स को भी लगाया गया है। वहीं पर बात कर लिया जाए गंगा पथ और मरीन ड्राइव का तो राइडर्स के लिए दो अतिरिक्त फोर्स को वहाँ पे गठित किया गया है जो कि राइडर्स पे कंट्रोल करने के लिए वो वहाँ पर संवेदनशील तरीके से वहाँ पर मुस्तैद रहेंगे। और यहाँ पर सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा क्या कुछ बयान दे रहे हैं जरा देखें। दीपावली को लेकर लगभग सभी थानों में एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है। नगर मध्य क्षेत्र में ही लगभग 300 फोर्स एक्स्ट्रा डिप्लॉयड है एडिशनल टू लगभग 800 फोर्स जो थाने की है। हम लोगों ने सभी थानों में और जहाँ जहाँ लक्ष्मी पूजा और काली पूजा हो रही है वहाँ पर जो भी आसपास सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करवाया है। इसके साथ साथ बाइकर्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने अटल पथ और गंगा पथ पर दो सेपरेट टीम बनाई हैं जो इंस्पेक्टर्स के कंट्रोल में है, थाना से अलग हैं। उनका काम सिर्फ बाइकर्स कंट्रोल करने के लिए है ताकि किसी भी तरीके से जो लोग बाहर निकलते हैं इन त्योहारों पर उन लोगों को असुविधा ना हो। हम लोगों का प्रयास से ही लगभग धनतेरस पे मूवमेंट लोगों का लगभग 2 से 3 बजे तक पीरभौ जैसे एरिया में रहा है और हम लोग लगभग 4 बजे तक फोकस में रहें। हम लोगों का नज़र है कि किसी को भी असुविधा ना हो और इसी का ही एक परिणाम है कि इंसिडेंट फ्री हम लोग धनतेरस कराने में सक्सेसफुल रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास होगा कि दिवाली और आने वाले जितने भी त्यौहार हैं वो भी इसी तरीके से ना केवल पीसफुली हो जाएं, बाकी लोगों का जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे कि वो बाहर निकल के अगर आते हैं और त्यौहार को लेकर खरीदारी वगैरह करते हैं तो उनको कोई खतरा नहीं है। एसके पुरी बुद्धागोविंद दोनों में ही फोर्स लगाया गया था और आज फोर्स को और ऑगमेंट किया गया है ताकि अगर जो अब आने वाले जो त्यौहार हैं उसमें अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसे टाइमली कंट्रोल किया जा सके। हम लोगों की लगभग हर जगह नज़र है और ICCC के थ्रू हम लोगों ने जितने घाट्स वगैरह हैं उसको भी कंट्रोल कर लिया है, कवर कर लिया है ताकि अब जो मूवमेंट वहाँ भी होगा तो हम लोगों की नज़र में होगा। उसके लिए भी एक सेपरेट टीम बनाई गई है और वो लोग लगातार पेट्रोलिंग में है, पेट्रोलिंग करके जगह जगह देखेंगे और जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन के बेस पे रेड करेगी। दिवाली के दिन फायरिंग वगैरह भी करते हैं सब तो उसको लेकर दिवाली के दिन फायरिंग का अगर इंसिडेंट होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हर्ष फायरिंग ना हो उसको लेकर जितने भी मैरिज हॉल्स वाले हैं और जो भी होटल्स वाले हैं उन लोगों को पहले चेतावनी दिया चुकी है, नोटिस दिया चुका है। उसके अलावा हम लोग लगातार पेट्रोलिंग में रहेंगे, स्टैटिक डेप्यूटेशन किया हुआ है और हम लोग को विश्वास है कि इस तरह कोई इंसिडेंट नज़र में नहीं आएगा। ऐसी बात है कि सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने खास तौर से कहा है कि जो दीपावली को लेकर के लोगों सुगम रहे इसके लिए अतिरिक्त बल हर थाने में दिया गया है, हर जो पुलिस है वो हर हमेशा अलर्ट मोड पर है और लगातार वह पुलिस जो है पेट्रोलिंग करते हुए आपको नजर आएगी। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।